एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल इनसाइड क्रिएशन एंड ब्लॉग्स। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कीजिए। और आज हम जिस मूवी टीजर है, मराठी मूवी है हर हर महादेव, इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। साढ़े 300 साल के परे उस सूर्योदय की एक कहानी, ये हर जाति के ललकार की पता लग जाता है ना मुझे। मेरे छत्रपति के दाढ़ की एक कहानी, सिर्फ एक बार काफी अच्छा है, शानदार अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत गजब। और उनका वो डायलॉग, मतलब देश मेरा भाषा मेरी, गजब, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो दिल को छू गया। पता है ये ना आजकल लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने उससे। हाँ, मतलब उस डायलॉग से, और ये रियलिटी भी है। पता है आजकल क्या करते हैं कि अपने जो लैंग्वेज है उसको तो भूल रहे हैं, अदर लैंग्वेज के पीछे भाग रहे हैं, वो फ्रेंच सीख रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हो रहे हैं उनको, जैसे हम अपने इधर यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे मारवाड़ी है, ठीक है, तो मेरे को मारवाड़ी नहीं आती, तो आप हिंदी बोलोगे, आप इंग्लिश में बोलोगे, मतलब ऐसे शो कर रहे हैं, तो सीख लेनी चाहिए अपने। लेकिन आती है हमें तो, आती है भाई, बोलते हैं हम तो, मारवाड़ी आती है हमें, ऐसी बात नहीं है नहीं आती। और तो मैं ये बोल रही हूँ कि इनसे सीख लेनी चाहिए कि हाँ, तो अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए, चाहे कैसी भी हो। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आनी चाहिए, आनी लैंग्वेज चाहिए, लेकिन अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छी लगी। और वो स्टार्टिंग में वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो जो लुक दिखाया था साइड से वो उसमें वो छाया से वैसे ऐसे, ठीक है, तो उसमें मतलब कोई भी अगर कोई भी देख ले तो ये वो क्या आइकॉनिक फेस है। अगर बिना बताए अगर किसी को दिखा दे तो सब बता दे कि ये महाराज जी की फोटो है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये। तो एकदम ये बहुत अच्छा, और मराठी मूवीज मराठी सिनेमा है सच में बहुत शानदार, हाइप कर रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने इतने वो ट्रेलर देखे हैं, टीजर देखे हैं, सॉन्ग्स वगैरह, और फर्स्ट अपनी थी वो सर सेनापति, आपने बताई, हाँ वो ना, और उसके बाद पावन किंग, तो मैंने वो मूवी भी देखी है। तो सच में मैं मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार लेवल, और भाई एक से बढ़के एक आ रहा है, गजब, मतलब ये नॉलेज और बढ़ रहा है, नॉलेज और बढ़ रहा है, और सच में बहुत बढ़ रहा है। और लास्ट वीडियो में आपने हमें बोला था कि आप हंस क्यों रहे हो, और ना थोड़ा ऐसे कुछ बोला था, तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, वो हमने मजाक नहीं बनाया था, ना हम हंस रहे थे। आप नोटिस करना वीडियो में हम पूरा एकदम से ऐसे खो के देख रहे हैं, मतलब ऐसे कि हाँ क्या है क्या नहीं, हंसी खुद पे आ रही थी। अब रीजन बताते हैं हमें क्यों आ रही थी, क्योंकि हमारे वीडियो जो सॉन्ग्स के थे वो पता है क्या हो रहा है, उन पे कॉपीराइट आ रहा था और हमें स्ट्राइक आ चुकी है पहले, तो हमें खुद पे हंसी आ रही थी, हमारे मतलब जो कजन वर्ड भी स्किप हो रहे थे, हाँ मेरे से एक वर्ड स्किप हो गया था, तो मेरे को खुद पे हंसी आ रही है कि वर्ड भी स्किप हो गया मेरे से, तो और ना देखते देखते तब मैंने बोला भी था कि मैं तो खो गई, कि मेरा तो ना वर्ड भी स्किप हो गया मेरे से, मेरे पे खुद पे हंसी आई, ना तो मैंने इसका मजाक बनाया था। राजस्थानी लोग सदा हंसते हैं, कुछ देख रहे कर रहे हैं, कुछ बेइज्जती हो रही है, तो ऐसे कुछ ज्यादा ऐसे नहीं करते कि ऐसे खुद भी हंस लेते, हाँ मेरे से ये हो गया, थोड़ा ऐसा है, और हो सकता है कि हमें कम करना चाहिए, तो हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग अडेप्ट होंगे हम, ऐसा नहीं है। और फिर कॉपीराइट आ जाता है तो फिर वीडियो को पब्लिक भी नहीं कर सकते जब तक वो क्लेम हटे नहीं, तो उसका थोड़ा डर रहता है, और डर तो इसलिए हो गया कि हमारी स्ट्राइक आ गई, मेन चीज ये है और कुछ नहीं है, तो हमने कोई मजाक नहीं बनाया था, और इसके लिए बोलेंगे सच में। इसका मुझे लुक वाइज ड्रेस वाइज तो काफी अच्छा लगा मुझे, ड्रेस तो है सच्ची बोल तो रही हूँ कि मराठी सिनेमा एकदम से ऐसे लगता है क्लीन, मतलब ऐसे कुछ फैंसी भी नहीं है, और ना काफी अच्छी है, एक थे ना वो एक देखे हुए लग रहे थे, शायद उनका नाम है ना शरद सर ऐसे कुछ है, वो सीरियल्स में भी आते हैं वो,
तो वो तो देखे हुए लग रहे थे हमारे। और सिक्स में मैं फिर से बोल रही हूँ मराठी सिनेमा, मैं मेरे को लग रहा है बहुत हाइप करेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि अरे यही पांच लैंग्वेज में है। हाँ ये पांच लैंग्वेज में आ रही, सोचो मैं मतलब फील हो रहा है मेरे को कि एक दिन ऐसा आएगा कि मराठी सिनेमा का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। सच में इतना शानदार डायरेक्शन, ठीक है, और डायलॉग्स मतलब क्या पंच एकदम से पॉइंट पे है ना, और ना पूरा वो जो सिनेमेटोग्राफी लोकेशन मतलब पूरा क्या और कैसे सीन ले रहे हैं, जैसे पहाड़ियाँ आ रही है वो। हाँ मतलब बहुत शानदार डायरेक्शन, बहुत अच्छा लगा हमें, और काफी रिक्वेस्ट थी तो मैं पहले ही समझ गई थी कि शानदार होने वाला। और मैंने आज तक जितने भी दिए हैं ना, सच में ऐसे ऐसे आ गए, ऐसा लेवल आ रहा है एक से बढ़कर एक, बहुत शानदार और बहुत अच्छा लगा। ये 25 उसको अक्टूबर को रिलीज होगी, 25 अक्टूबर को जरूर देखेंगे। और किस पे आएगी वो सिनेमाज में आएगी, अलग अदर लैंग्वेज में, और शायद OTT पे बाद में आएगी। हाँ पहले सिनेमा हॉल में, वैसे थिएटर्स में आएगी, तो हम अगर यहाँ पे लगी तो जरूर देखेंगे। तो पहले का तो शायद नहीं लगी थी पहले, ये वो हिंदी में नहीं थी, उसको डब किया गया होगा ना, पहले वाली की नहीं लगी थी क्योंकि लगती तो हमें थोड़ा नॉलेज होता, और क्या पता नहीं ध्यान दिया हो, ट्रेलर लेट आया था अपने पास भी, तो मैं खुद ही ध्यान रखती हूँ कि कोई मराठी मूवी आए हम भी देखें, वरना तो बॉलीवुड बॉलीवुड के बाद में सब साउथ इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो गए थे, अब पता चला कि मराठी इंडस्ट्री भी है। बहुत अच्छा लगा, तो कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।